हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बस आर्बिट्रेशन। तो बस आर्बिट्रेशन में क्या होता है कि जो बस होता है वो कैसे डिफरेंट डिफरेंट कनेक्टेड डिवाइस में से किसको कंट्रोल करता है, किसको प्रायोरिटी देता है, कौन पहले डेटा भेजता है, उसके ऊपर ये सब चीज डील होता है। तो आप लोगों को बस क्या है पता चल गया है। बस इज बेसिकली यूज फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन मेमोरी रजिस्टर एनी डिवाइस टू डिवाइस कुछ भी। तो अभी देखेंगे ये बस आर्बिट्रेशन कैसे होता है। तो आप लोगों को पता है, मान लीजिए ये हमारा बस है और ये बस से बहुत सारे डिवाइस कनेक्टेड है। वैसे तो मैंने तीन शो किया है, तो ये जो तीनों डिवाइस हैं, तीनों तो एक साथ बस पे डेटा नहीं सेंड कर सकते ना। बस इज यूज्ड फॉर डेटा ट्रांसफर और वॉट एवर इज गिवन फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस इज बिंग कैरेड आउट बाय बस। लेकिन हमारे पास अगर मल्टीपल डिवाइस है तो सारे डिवाइस क्या एक साथ डेटा दे सकते हैं बस में? ये तो पॉसिबल नहीं है ना। तो बस को ये डिसाइड करना है कि कौन सा डिवाइस पहले डेटा देगा और कौन सा रिसीव करेगा, फिर उसके बाद कौन सा नेक्स्ट डिवाइस डेटा देगा और बस के द्वारा वो दूसरे डिवाइस के तक मतलब वो पहुंचेगा। तो ये जो काम है ये ओवरऑली इसी चीज को बोला जाता है बस आर्बिट्रेशन। तो यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है कि हम लोग क्या बोल सकते हैं कि बस इज डिसाइडिंग हु गेट एक्सेस फॉर रीडिंग एंड राइटिंग द डेटा। मतलब ये जो बहुत सारे डिवाइसेस हैं इसमें से कौन सा डिवाइस एक्सेस मिलेगा, मतलब एक्सेस कर सकता है पहले ये बस लाइन को। और बस आर्बिट्रेशन शुड कमांड और शुड डिसाइड और शुड अलाउ विच डिवाइस फर्स्ट टू कम्युनिकेट और ट्रांसफर द डेटा। ठीक, क्योंकि मैंने बताया ना कि सारे डेटा एक साथ नहीं हो सकते ट्रांसफर बस में, इसीलिए इसको मतलब बस आर्बिट्रेशन को डिसाइड करना पड़ता है कि ऑर्डर ऑफ द डेटा ट्रांसफॉर्मेशन। तो बस आर्बिट्रेशन जो स्कीम है दिस ट्राइज टू बैलेंस बस प्रायोरिटी। बस प्रायोरिटी मतलब कौन सा डिवाइस पहले बस को एक्सेस कर सकता है। ठीक है, तो बस इज गिविंग प्रायोरिटी टू द डिवाइसेस। एंड फेयरनेस मतलब इज इट गिविंग फेयर चांस टू ऑल द डिवाइस टू एक्सेस द बस। मतलब सारे डिवाइस को इक्वल चांस मिलना चाहिए टू ट्रांसफर द डेटा थ्रू द बस टू अनदर डिवाइस और मेमोरी टू रजिस्टर। तो उसको बोला जाता है फेयरनेस, मतलब सारे डिवाइस को फेयर चांस मिल रहा है कि नहीं। ठीक है, तो ये तो हो गया बस आर्बिट्रेशन। तो इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं, बस आर्बिट्रेशन डिसाइड्स विच डिवाइस टू एक्सेस द बस व्हेन, मतलब कौन सा डिवाइस कब बस को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके तीन मैकेनिज्म हैं, देयर आर थ्री मैकेनिज्म फॉर बस आर्बिट्रेशन। तो एक है डेजी चेन, दूसरा है पोलिंग एंड थर्ड है इंडिपेंडेंट रिक्वेस्ट। ठीक है, तो ये जो तीन है दिस आर द थ्री डिफरेंट टाइप ऑफ मैकेनिज्म फॉर बस आर्बिट्रेशन, डेजी चेन, पोलिंग और इंडिपेंडेंट। तो ये तीनों में एक कॉमन चीज है कि ये तीनों मैकेनिज्म में सबका एक एक बस लाइन है और मतलब सबका इंडिविजुअल कंट्रोल लाइन्स है। तो वो क्या क्या कंट्रोल लाइन्स है उसमें होता है बस बिजी, बस ग्रैंड और मतलब और एक एक्स्ट्रा होता है इंडिपेंडेंट रिक्वेस्ट में, बस ये दोनों में बस बिजी और बस ग्रैंड होता है। ठीक है, तो उसको हम लोग इन डिटेल नेक्स्ट वीडियोज में देखेंगे।